सामान के चक्कर में सारा भीग गया। मन कर रहा है पे लेकिन लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाऊं। अब यहाँ पे आए हैं और रूबी को जो लेना है ये दीजिए मैम, वो दीजिए मैम, ये दीजिए मैम, वो दीजिए। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू फैजम की दुनिया। आज तारीख मुझे कितनी तारीख है 9। तो आज गुड़िया का सब सामान पैक हो गया है और गुड़िया जा रही है अपने घर यानी कि पीहर बेचारे सुबह सुबह 5:30 बजे पता नहीं कौन सी मजदूरी करके सोते हैं। तो ऑफिस भी जाना है संडे, सोचा संडे है लाइट ले रहे हो आप कि मुझे ऑफिस भी जाना है, लेकिन आप समझ रहे नहीं चाह रहे हो। टाइम देखो 11:30 बज रहे हैं, तुम तो रात को तांडव करते हो दोनों के दोनों, पता नहीं जगे रहते हो। मेरी तो आँख खुली 5:30 बजे, नमाज को उठा 5:15 बजे, तब भी काम था मुझे। तुमको बहुत काम होता है, चलो जल्दी तैयार हो जाओ फटाफट यार। क्यों खाने खाना है? चार 6 बजे सोए हम लोग, इस टाइम पे उठ गए हैं। चलो निकलो फिर। हाँ सर, तुम तो लगा से कुछ हॉस्टल जाते नहीं, हॉस्टल वैसी लग रही हो, जाम में जा रही हो। ऐसा कोई बात नहीं बाबू, जा सकते हो, आप नहीं जान चाहते हो आपकी प्रॉब्लम है, लेके जाने को आप बताओ और भी भेज दूंगी। टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, ठीक है, और जो जो समझाया वो कर लेना, ठीक है वो। बाय। सामान के चक्कर में सारा भीग गया, तो बारिश बहुत हो रही है आजकल दिल्ली में। खेत चला गया, सही नहीं दिख रहा है यहाँ पे, कितना प्यारा मौसम लग रहा है। सीरियसली मेरा मन कर रहा है पहले कसम से कि मैं यहाँ चली जाऊँ, मतलब 5 मिनट के अंदर चले जाऊँ। जाना है बच्चा, आराम से बच्चा, एक पेशेंट बैठा है आपके साथ। पेशेंट नहीं हूँ, अल्लाह मेरे देखो फूल भी खिल गए हैं, बरसात की चीज होती है फूल वूल सब खिल जाते हैं। ऐसे मन करा दोबारा ना ऐसी राइट लेने का जहाँ पे ऐसी रास्ता हो और जगह जगह पे भुट्टे बिक रहे हो, जामुन बिक रहे हो, ये तो आपको मिलेगा पहाड़ों पे, नैनीताल के बीच में भुट्टे बिकते हैं। हाँ, जगह का रास्ता बहुत खूबसूरत था, क्या आनंद आ रहा है। मन कर रहा है पहले को लेकिन लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाऊं, लेकिन अभी ऑफिस वर्क टाइम तो ये पॉसिबल नहीं है, तो फिलहाल यहीं पे ही आनंद ले लेती बारिश का। और बहुत प्यारा मौसम है, बहुत ज़्यादा। चल क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है? पापा ने गया ना, हाँ, हाँ। तू पास हो गई, पास हो गया। तू कहाँ फेल हुआ रे, तू किसे फेल हुआ? फेल हो गया, पहले का पेपर में फेल हो गया, फिर उससे नीचे वाले का दिया, फिर भी फेल हुआ। अल्लाह, ये तो आ गई अपने घर और मैं जा रहा हूँ अब रूबी के साथ विजय सेल्स पर। क्या लेने के लिए जा रहे हैं ये हम दिखाएंगे आपको विजय सेल्स पर। तो अभी तो टाइम हो रहा है लगभग 8 बज रहे हैं और ये दिल्ली का ट्रैफिक, बारिश हो जाए तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी गाड़ी तैरेगी या आप तैरोगे। देखना कितना पानी भरा हुआ है, अल्लाह मतलब एक छेद ही कर दो जब पानी नीचे निकल जाए वहीं से निकल जाएगा। ये पैसिफिक मॉल के पीछे वाला रास्ता है और वाला अंडरपास तो बंद कर दिया ओखला वाला, कह रहे हैं माफ करो मालिक इधर से मत जाओ, पुलिस वाले खड़े हो गए कितनी देर। चलो यार धीरे धीरे मध्यम मध्यम चलते हैं, जिस काम के लिए निकले हैं। ये सूट मैंने ऑनलाइन देखा है, ये पीला वाला शायद रुखसाना के पास नहीं है, सब ये है विजय सेल्स गोविंद, सॉरी ये है विजय सेल्स गोविंदपुरी वाला। अब यहाँ पे आए हैं और रूबी को जो लेना है वो यहाँ से लेगी वो। पता है हम सही सेक्शन में आए हैं, इसी सेक्शन में लेना है हमें,
आ जाओ। बताओ आपको कौन सा पसंद आ रहा है? बजट के हिसाब से ये वाला है ना, ये ठीक लग रहा है। हाँ ये ठीक है। सब प्रोसेस, ये दीजिए मैम, वो दीजिए मैम, ये दीजिए मैम, वो दीजिए। बाकी विजय सेल्स है बड़ा। इसने लोन के लिए किया था HDFC से, इसका लोन फेल हो गया, वो भी सिर्फ 3-4 हज़ार रुपये का। ऐसा क्यों हुआ आपके साथ? डिक्लाइन। अब इनका TV मेरे नाम पर हो रहा है। और विजय सेल्स में बेसिकली LED लेने के बाद जो भी था LCD LED, अब आया हम यहाँ पे तुगलकाबाद में मछली मार्केट, देखिए कितनी बड़ी है। वहाँ से और वहाँ तक सब मछली। वेलकम अगेन टू शाहजी। सबका अपना अपना मन करता है, गुलाब जामुन खाने का मन है। आ जाओ रूबी, एक एक बताओ ना ये फ्लेवर कौन सा है। ये फर्स्ट वाली कौन सी बताई? ये वाली, ये फर्स्ट नीचे वाली है। हाँ फ्रूट वाली। एंटरटेनमेंट का एक ही साधन है, TV या फ़ोन। बहुत दिन तक कंटिन्यू फ़ोन है, TV भी, देखो सर में दर्द हो जाता है, लेकिन काफ़ी टाइम से घर की TV ये लगा हुआ है, वो ख़राब हो गया था। तो कल ये मूवी और लेने गए थे जो दिखाया था वीडियो, तो अभी उन्होंने शायद वीडियो बनाया है, वो मैं अपलोड करूँगी। तो अभी इसको दे के तो चले गए डिलीवरी करके, बट उसका अभी फिटिंग वटिंग नहीं किया है, उसके लिए भी बंदे आए हैं बाहर से, तो हम उसको लेने जा रहे हैं। अभी आदित्य को नीचे भेजा है मैंने बुलाने के लिए भैया को, तो आ रहे हैं ऊपर, देखते कितना टाइम लगता है इसको फिट आउट करने में। उसके बाद फिर रिचार्ज भी देखना कि रिचार्ज है भी कि नहीं है, अगर नहीं हुआ तो फिर उनको बोलना पड़ेगा मुझे। मम्मी पापा का फ़ोन आ रहा है, तो मैं आपको 5 मिनट मिलती पहले TV करवा के, जो भी काम है TV का। सामान इसीलिए देख रहे थे हमने, सामान है कि नहीं लाया था, दिखाऊंगी मैं कैसे पास करता हूँ। मतलब कोई आ नहीं सकता ना, आप भी जाए तो मम्मी बोलती आ कैसे गया छत पे तू, मेरा भी अंकल यहाँ से लिए थे जब परमिशन लिए थे मकान वाला से। है ना, 20 का अलग देता है TV। हाँ हाँ यही लगा दे, देख ले कहाँ सही रहेगा। हाँ यही ठीक है, यही ठीक है, और कहाँ लगेगा।